नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर जब्रोस टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। बिगनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आपके कुछ शेयर अभी अपनी परचेज प्राइस से नीचे चल रहे होंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। करेक्शन शेयर्स में भी होती है, इंडिविजुअल शेयर्स में भी और मार्केट में एज ए होल भी होती है। 1,000-2,000 पॉइंट की मार्केट में करेक्शन का होना कोई बड़ी बात नहीं है, और शेयर के अंदर भी 15 से 20% की करेक्शन बड़ी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिए, लाइफ इतनी छोटी नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग ना कर सके। आपके साथी इन्वेस्टर्स के ने अगर ज्यादा कमा लिया तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है, अभी बहुत समय पड़ा है, आप आगे कमा लेंगे। अभी लॉन्ग विसल नहीं बजी है, तो आप अच्छे स्ट्रॉन्ग शेयर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी कैपिटल सारी लगी हुई है, नहीं बचे हैं पैसे, तो आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र से बैठिए। अगर हो सके तो इनमें कोई आपको ऐसा नज़र आता है जिसके बारे में कोई बैड न्यूज आ रही हो या कोई नहीं बढ़ रहा है, तो उसको आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ऐसा करेक्शन टाइम में ही होता है। तो दोस्तों, आज जो हम शेयर लेकर आए हैं, वह डेट फ्री कंपनी का शेयर है, मल्टी वैगर टर्बाइन मोटर्स एंड जनरेटर बनाने वाली जीरो डेट कंपनी का है। नए ऑर्डर्स मिले हैं, मजबूत ऑर्डर बुक है, वैल्यूएशन सस्ती है, 3 वर्ष में 506% का रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, कई बार ये शेयर थोड़ा ग्रेजुअली बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म में ये बहुत अच्छी रिटर्न दे के जाते हैं, लेकिन हम लोग हम इन्वेस्टर क्या है कि इम्पेशेंट हो जाते हैं जल्दी ही। तो ये शेयर ग्रोथ वाले शेयर हैं, ये इमीडिएट शायद ना बढ़े, लेकिन इनमें रिस्क भी नए के बराबर होता है। आप इस शेयर को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम शुरुआत करें, आपसे अनुरोध है, अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज जो शेयर हम लेकर आए हैं वह टीडी पावर सिस्टम का है। टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए एसी जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स के निर्माण में लगी हुई कंपनी है, जो विशेष रूप से ग्राहकों की आवश्यकताओं और विनिर्देशों के आधार पर उनकी जरूरतों के अनुरूप डिजाइन किए गए हैं। इसका उत्पाद पोर्टफोलियो देख लेते हैं। कंपनी पारंपरिक और नवीकरणीय ईंधन आधारित बिजली संयंत्रों के लिए जनरेटर बनाती है, रिन्यूअल एनर्जी के लिए और पारंपरिक जो पहले बिजली होती थी वही बनाती है। इसकी उत्पादन क्षमता भाप गैस टरबाइनों के लिए 1 मेगावाट से 200 मेगावाट तक की, पवन टरबाइनों के लिए अनुकूलित रेटिंग तक है। बाजार की स्थिति यह है, एसी जनरेटर का एक अग्रणी निर्माता है जो 1 से 250 MVA तक के स्पेक्ट्रम में आपूर्ति करता है। वित्त वर्ष 24 तक कंपनी ने 103 देशों में 6,300 जनरेटर स्थापित किए हैं। बड़ा काम करती है कंपनी। निर्यात वित्त वर्ष 24 में 59% है, 41% घरेलू है। वित्त वर्ष 24 तक ऑर्डर बुक 1200 करोड़ की है, जिसमें 40% निर्यात के ऑर्डर है। ये बड़ी बात है, निर्यात के ऑर्डर दूसरे देशों से निर्यात हो रहा है, दूसरे देशों में निर्यात हो रहा है। कंपनी बेंगलोर में 2 विनिर्माण इकाइयां संचालित करती है, जो क्रमशः 1,57,000 वर्ग फीट और 2,19,700 वर्ग फीट में फैली हुई है। सुविधाओं में एक एक जनरेटर विनिर्माण सुविधा है। इसकी एक सुविधाएं तुर्की में भी है, तुर्की में ग्राहक हैं इसके जो सीमेंस लिमिटेड, वाइथ, हेड्रो, जनरल इलेक्ट्रिक और
त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड आदि हैं, रेलवे को भी इसकी बहुत ज़्यादा सप्लाई है, 30% रेवेन्यू रेलवे से आता है इसका। टॉप 10 ग्राहकों में 65 से 70% रेवेन्यू आ जाता है। वित्त वर्ष 25 के 1200 करोड़ रुपए की बिक्री होने का कंपनी ने फोकस रखा है, यानी कि मैनेजमेंट की काफ़ी मजबूत गाइडलाइंस हैं, गाइडेंस काफ़ी अग्रेसिव है। तो अब मार्केट कैप है जो इसकी 6,439 करोड़ है। डिविडेंड 0.26% का देती है कंपनी। रिटर्न ऑन कैपिटल 25.40% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.10% है। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी जीरो डेट है, जो मैंने पहले भी बताया आपको। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 105% की CAGR से लाभ वृद्धि दर्ज की है। सीमेंस ABB दोनों ही 114 की पी पर मिल रहे हैं, इसकी पीयर कंपनी जो है। TD पावर की 50 की PE है। जून 23 और जून 24 के रिजल्ट्स कंपेयर कर लेते हैं कंपनी को जानने के लिए, समझने के लिए। सेल है जो जून 23 में 220 करोड़ की थी और जून 24 में 274 करोड़ की है। OPM 18% मेंटेन्ड है। नेट प्रॉफिट 27 करोड़ से 35 करोड़ हो गया। तो दोस्तों, सेल और नेट प्रॉफिट दोनों ही अपने जून 24 में बड़े हैं, क्वार्टर वन FY 25 में अपने कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड के क्वार्टर के साथ। तो ये ग्रेजुअल ग्रोथ वाले शेयर हैं, ये अनाप शनाप नहीं बढ़ते और ना ही अनाप शनाप गिरते हैं। FY 23 और FY 24 और TTM भी चेक कर लेते हैं। TTM 30/6/2024 तक का है। सेल है जो 872 करोड़ है FY 23 में, FY 24 में 1001 करोड़ है और TTM 1054 करोड़ है। नेट प्रॉफिट FY 23 में 97 करोड़ है, FY 24 में 118 करोड़ है, TTM 127 करोड़ है। तो दोस्तों, ये ग्रेजुअली बढ़ता है, इसमें रिस्क न के बराबर होता है, क्योंकि ऑर्डर से हैं कंपनी के पास, मार्जिन मेंटेन्ड है, इसलिए इसमें घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं होती इन शेयरों में। 3 ईयर्स सेल ग्रोथ CAGR 19% है। प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 44% है। दोनों अच्छी हैं, ठीक है। और स्टॉक प्राइस ग्रोथ देखें तो इसकी CAGR स्टॉक प्राइस ग्रोथ तो वो तो 82% है 3 साल की, जो बहुत ज़्यादा अच्छी है। शेयर कैपिटल केवल 31 करोड़ है। रिजर्व 674 करोड़ के हैं। बोरिंग 0 है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट भी 10 करोड़ की है। बैलेंस शीट मजबूत है। 31 करोड़ की शेयर कैपिटल पर रिजर्व 674 करोड़ के हैं, बहुत मजबूत बैलेंस शीट है। कैश फ्लो प्लस 34 करोड़ है, हेल्दी है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कैश मैनेजमेंट अच्छी है। प्रमोटर्स के पास 34.27% शेयर्स हैं। FII के पास 16.24%, DII 29.64% शेयर हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, पब्लिक के पास तो 19.85% ही बचे हैं, तो ये 45% से ऊपर तो इन्हीं के पास हैं, क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स के पास ही हैं। तो उनका तो काम ही है, उनके पास CAs हैं, ACAs हैं, डाटा इंटरप्रेटर है, और 10 साल के हिस्ट्री और बातचीत भी कंपनी के साथ करते हैं वो, कंपनी के डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ। तो उसके बाद ही वो पैसा लगाते हैं, कोई भी पैसा गंवाने के लिए पैसा नहीं लगाता। तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि 45% से ज़्यादा इक्विटी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, किसी तरह के फंडामेंटल्स में कोई कमी नहीं है, जीरो डेट कंपनी है। दाम 410 रुपये है, प्राइस वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। 52 वीक हाई एंड लो 451 रुपये और 226 रुपये है। EPS 8.13 रुपये है। PE 51 है। Sector PE 118 है। Sector PE से तो बहुत सस्ता मिल रहा है। इस स्मॉल कैप कंपनी को 2 महत्वपूर्ण ऑर्डर मिले हैं जिनका मूल्य 142 करोड़ है, अभी मिले हैं वो 2-3 दिन पहले ही। इसके पास वैसे भी ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। बाजार के जानकार इसके सही दाम 600 रुपये तक के लगाते हैं। वैल्यूएशन चीप है, कोई भी लगा सकता है ऐसा दाम। तो क्वार्टर वन FY 25 के अच्छे रिजल्ट्स हैं, उम्मीद है क्वार्टर टू FY 25 के भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे।
कंपनी डेट फ्री है, मजबूत ऑर्डर बुक है, अगर मार्केट ठीक रहती है तो विशेषज्ञ 766 रुपये का प्राइस इसका 1 साल का दे रहे हैं। 3 महीने में 6%, 1 साल में 65%, 3 साल में 506%, 5 साल अगर किसी ने रखे हैं तो 1304% का रिटर्न दिया। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी ग्रोथ बहुत स्टेडी होती है, लेकिन अच्छी बहुत होती है, स्टेडी बट स्ट्रॉन्ग। इस शेयर की ग्रोथ स्टेडी है, यह स्टेडी रह भी सकती है, ग्रेजुअल इंक्रीज होती है इन शेयरों में, लेकिन रिस्क न के बराबर है। 3 वर्ष में 1000 रुपये तक जा सकता है, ऐसी हमारी टीम का अनुमान है। कोई भी शेयर खरीदने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले ले और स्वयं से जांच कर ले। तो दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट थी टीडी पावर पर। आप समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।